सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 के लिए तृतीय पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ में सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। वेदस्वसी आ राष्ट्रे राजन्य यजुर्वेदः, वयम् राष्ट्रे जागरयाम यजुर्वेदः, अहम् राष्ट्रे संघमणि वसूनां ऋग्वेदः इत्यादि दिसु बहुसु मंत्रेषु राष्ट्रशब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम् अस्ति। वेदों में भी राष्ट्र में क्षत्रिय जो यजुर्वेद से लिया है, हम राष्ट्र में जागृत रहें ये भी यजुर्वेद में लिखा है, मैं वाग देवी जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ ये ऋग्वेद में लिखा है आदि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से ये स्पष्ट होता है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमा चागता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांत सन्ति। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है ऐसा जो मानते हैं वह तो वास्तव में ही भ्रांत है। अस्माकम् इदं भारतवर्षमेकम् चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। हमारा ये भारतवर्ष बहुत ही दिनों से पुराना सनातन राष्ट्र है। किन तत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्व चिंतन केश्च केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकम च घटकमेव राष्ट्रमिति नेव मतम। किंतु यहाँ पर ऋषियों मुनियों कवियों और तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रमिति यदुच्यते तत्रेकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। राष्ट्र जो कहलाता है वहाँ वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम् इदं राष्ट्रदेवं मन्यामहे, यह हमारे हम इसे राष्ट्रदेव भी मानते हैं। एतत् वे भारत अस्माकं रष्टो न कश्चित् मृत्पिण्डो वा भूखण्डो वा विद्यते अपितु मातृभूमिरस्ति। यथा किलोक्त मर्त्वेदे माता भूमि पित्रोऽहं पृथ्व्याः। यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड या भूखंड नहीं है अपितु हमारी मातृभूमि है। जैसा कि अर्थवेद में भी कहा गया है कि मातृभूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदम अपि कथमस्ति पृथ्वी माता द्योर्मे पिता। ऋग्वेद में भी कहा है पृथ्वी मेरी माता है और भूलोक पिता है। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमिश्च इत्येवं विविधे रूपे रूपेतास्ति भुवन मनमोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि और देवभूमि इस प्रकार देव रूपों वाली है और संसार के मन को मोहने वाली है। राष्ट्र संबंधिनः राष्ट्रियात संबंधिनः राष्ट्र गौरव संबंधिनः राष्ट्र भक्ति संबंधिश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति। राष्ट्र संबंधी राष्ट्रीयता संबंधी राष्ट्र गौरव संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित है। पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, अपने राष्ट्र का गौरव। पहला श्लोक है इसमें, यहाँ अन्वय और अनुवाद भी साथ में दिए हैं। प्रथम श्लोक, उत्तरम यस समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारती यत्र संतति है। यह विष्णु पुराण से लिया है। इसमें अन्वय देखिए,
यत् समुद्रस्य उत्तरं हिमाद्री च एव दक्षिणं यत्र भारती संततिः तत् भारतवर्ष नाम। यत् कि समुद्रस्य समुद्र का, उत्तरं उत्तर में, दक्षिणं दक्षिण दिशा में, हिमाद्रे हिमवत्, यत्र जहाँ संतति है संतान, भारतीय भारतीयः। इसके संबंधित अन्वय से संबंधित यहाँ शब्दार्थ दे रखे हैं। हिंदी अनुवाद है इसका, जो भूखंड जो पृथ्वी समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत नाम का देश है। श्लोक नंबर 2। हिमालयात समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम पचक्षते। यह बृहस्पत्या गमह से लिया गया है। अन्वय है इसका, हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत् यह देश स्थितः देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात हिमालय से, समारभ्य प्रारंभ से लेकर, इंदु सरोवरम हिंद महासागर यावत् पर्यंतम, देव निर्मितम देवताओं द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तानम हिंदुस्तान, प्रचक्षते कहा गया है कहलाता है। बृहस्पत्यागमः बृहस्पति आगम से, हिंदी अनुवाद है इसका, हिमालय पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं द्वारा रचे गए उसी देश को हिंदुस्तान कहते हैं। श्लोक नंबर 3। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वा। ये विष्णु पुराण से लिया है। अन्वय है इसका, देवाः किल गीतकानि गायन्ति धन्यातु ते पुरुषाः संति स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूय भवन्ति। देवाः देवता, किल निसंदेह है निश्चित ही, गायन्ति गाते हैं, गीतकानि गीत, स्वर्गाप वर्गा इस्पद मार्ग भूते स्वर्ग और मोक्ष के स्थान का, भूयः का अर्थ होता है पुनः फिर से, सुरत्वात् देव के कारण। हिंदी अनुवाद है इसका, निसंदेह देवता गीत गाते हैं गुणगान करते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार होते हैं। इसकी जो बाकी बचे श्लोक हैं वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।